नमस्कार, आप लोगों का मौर्य चैनल में स्वागत है। और आपको इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। आज हम आपको दिखाएंगे जिस समय मिर्ची की खेती किस समय, विधिवत मिर्ची की खेती किस समय तैयार हो चुकी है और लोग इसके उपयोग में ले रहे हैं, आपको दिखाएंगे अभी। चलिए, मैं किसान भाई के पास जा रहा हूँ और आपको पूरी डिटेल जानकारी संपूर्ण देंगे और उनसे पूरी जो मिर्ची की खेती किए हैं उससे उनकी जो मिर्ची लगी है बहुत अच्छी लगी है, आपको भी दिखाएंगे और वो सारी आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे ताकि आप भी खेती करने में कामयाब और सक्सेस रहें। चलिए, मैं आपको किसान के पास ले चलता हूँ, आपसे परिचय कराऊँगा। चलिए, आप हमें बताइए सर, ये किस बीज से आपने लगाया और कौन सी वैरायटी है और कौन सा आपने यूज, किस तरह का इसमें खाद वाद डाल के यूज किया है ताकि आपकी फसल बहुत अच्छी है। जैसे कि पहले इस खेत को जुताया जाता है, उसके बाद अच्छी तरीके से जुताया जाता है, फिर खाद डाला जाता है जो गोबर की खाद होती है, गोबर कंपोस्ट वाली। हाँ, गोबर इकट्ठा जमा कर लिया जाता है। अच्छा, उसके बाद में उसको सड़ा दिया जाता है। गाय भैंस पाल रखे? हाँ हाँ, गाय भैंस है। उसके बाद उसको सड़ा जाता है, उसके बाद में जो खेत जोतने के बाद में सेली बनाया जाता है, मोटा मोटा मेड़। अच्छा, दिखाइए आप सेली एक बार। हाँ, देख लीजिए, ऐसे ऐसे बनाया जाता है। अच्छा, ये देखिए किसान भाई, ये जो बता रहे हैं हमें, ये सेला बनाए रखे हैं, इस पे बेड के साइड में जो बेड होते हैं बेड के टाइप में बनाए हुए हैं और उसी पर ये अपनी मिर्ची लगा रखे हैं। थोड़ा हमें मिर्ची दिखाइए जहाँ पर विधवत लगी है आपके। ये देख लीजिए, ये देखिए किसान भाई हमें दिखा रहे हैं अपनी मिर्ची। और दिखाइए थोड़ा उधर उस साइड में, ये देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी मिर्ची लगी है इनकी। ये मिर्ची है या मिर्चा है? ये तो मिर्चा है, मिर्चा है। हाँ, ये प्रजाति में बुलट मिर्चा के नाम से आता है ये मार्केट में। हाँ, 2000 रुपये का 100 ग्राम आता है बीज जो इसका। हाँ, आता है बीज। अच्छा, ये बताइए आपने नर्सरी यहीं पे लगाए थे घर पे? नहीं, यहीं पे भी लगाए हैं और थोड़ा आगे भी है। अच्छा, ये नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है? नर्सरी जैसे सेला बनाकर इसका पहले पौधा तैयार किया जाता है, पौधा तैयार करने के बाद में इसको बैठाया जाता है। अच्छा, उसके बाद में 3 से 4 महीने लग जाते हैं इसको तैयार होने में, उसके बाद निकलने लगता है। अच्छा, 2-3 दिन में इसका तुड़ाई होता है, उसके बाद में मंडी जाता है। अच्छा, इसमें कोई अंग्रेजी खाद उर्वरक वाली डाल रहे हैं? अंग्रेजी खाद का ज़्यादा मात्रा नहीं करते हैं, जैसे कि पोटास है और डाई है, इसका हल्का फुल्का सेवन करते हैं और ज़्यादा नहीं करते हैं। दवा कौन सी लगाते हैं इसमें? बस वही कोराजिन वगैरह डालते हैं। अच्छा, इसमें जो पत्ती सिकुड़न आई है इसमें भी कौन आपने दवा स्प्रे की है? ये देखिए थोड़ा सिकुड़न पत्ती है जो। बस यही कोराजिन का हल्का फुल्का मात्रा लेते हैं और बाकी जो देसी खाद होता है उसी का ज़्यादा। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें पानी रुकने से कोई दिक्कत है? जैसे पौधा आपका सूख रहा है, ये देखिए आप पौधा जैसे सूख रहा है, तो इसमें आपने कौन सी दवा मात्रा दिए थे? बस वही कोराजिन। हाँ, कोराजिन। देखिए किसान भाइयों, इन्होंने सबसे ज़्यादा मात्रा दवा की जो दी है वो है कोराजिन, इनका जो कोराजिन डालते हैं लोग, और अच्छी फसल में इनके वृद्धि भी होती है और फल और फूल भी लगने में अच्छा रहता है। चलिए, मैं इनको भी और भी आपसे डिटेल जानकारी लेंगे ताकि इनकी जो बिक्री इन्होंने किया है कितने का इसमें बिक्री हो चुकी है, कितने दिन की यह फसल रहती है। चलिए, मैं इनसे जानकारी ले रहा हूँ किसान भाई से। चलिए, आप बताइए आपकी लगभग बिक्री कितनी हो चुकी है? 35 से 40 हज़ार रुपये तक अभी तक हो चुका है मंडी से। अच्छा, अभी इसकी मतलब डेली का कितना माल निकलता है? डेली का बस वही 70 एक कुंटल, 70 किलो 1 कुंटल निकल जाता है। ये आपका कितना है मिर्ची? लमसम है 15-20 होगा। 15-20 होगा, तो आपकी इससे अच्छा इनकम होती है? बहुत अच्छी इनकम होती है। ये लास्ट फसल कब तक रहेगी? लमसम अभी रहेगी 5 महीने रहेगी बस। 5 महीना तो अच्छा इनकम होगा। चलिए किसान भाइयों, मैं ये किसान भाई से आपको परिचय कराया, सब जानकारी भी आपको दिए हैं कि इनकी फसल से कितना मुनाफा हुआ है और अभी भी इनकी जो फसल है वो भी और भी बोल रहे हैं कि अभी 2 महीने से ज़्यादातर रहेगी और भी इनको इससे अच्छा मुनाफा होगा। और इन्होंने बताया कि हमारे पास 15-20 मतलब एक बीघा से कम है आपकी मिर्ची? 5-20 कम है। चलिए किसान भाइयों, अभी और भी हम आपको बताएंगे तकनीकी जो कि इन्होंने इसमें और कुछ भी लगा रखे हैं फसल। ये आप क्या लगा रखे हैं इसमें? ये बोड़ा है। ये बोड़ा है? हाँ। अच्छा, इसमें आप डबल फसल भी कर रखे हैं? हाँ, डबल फसल कर सकते हैं। देखिए किसान भाई, आपको भी जानकारी देंगे, इन्होंने बोड़ा भी लगाया है जिसे हम लोग लोबिया कहते हैं, कि यहाँ पर देहात में लोग इसे बोड़ा भी कहते हैं, ये किसान भाई कह रहे हैं।
हाँ ये बोड़ा यहाँ पर कहते हैं, वो लोबिया भी कहते हैं, दोनों कह सकते हैं। अच्छा इसमें भी तो फूल उल और ये फल आने लगे बताइए। हाँ हाँ अच्छा अच्छा आप इसमें डबल फसल ले रहे हैं। हाँ, वाह। अभी हम और आपको दिखाएंगे जो इसमें किसान भाई के खेतों में इसमें जो मिर्चा है वो तोड़ाई हो रही है मार्केट ले जाने के लिए, मंडियों में ले जाने के लिए। मैं भी और भी आपको दिखाऊंगा, वही समय तोड़ाई चालू हो रही है, आपको दिखाएंगे हल्के नज़रिए में। आप देख सकते हैं यहाँ पर तोड़ाई भी हो रही है। कोई बात नहीं, अभी सुबह सुबह का टाइम है, अभी तोड़ाई चल ही रही है। अभी ये पूरी बोरी फुल हो जाती है, जो 50 केजी का कट्टा है एक। ये देख सकते हैं किसान भाई की जो मिर्ची है ये तोड़ाई हो रही है संपूर्ण। भी ये 50 केजी का कट्टा आता है, ये पूरा भर जाएगा। अभी तोड़ाई चालू ही चल रही है। और भी आपको मैंने जो जानकारी दी है और देता रहूँगा, यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए किसान भाई जो देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर ले। और यदि उन्हें खेती रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और उनके लिए यही कहूँगा कि जो भी खेती करते हैं थोड़ा जानकारी लेना ज़रूरी होता है, जो किसान भाई ये बताए हैं उस तरीके से आप मिर्ची की खेती कर सकते हैं। उसके लिए आपका जय जवान जय किसान।